हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अनीश के ब्लॉग में। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त मैं गोवा में हूँ और ये हमारा दूसरा दिन है गोवा में। तो आज से मैं पूरा घूमने वाला हूँ, जिस जिस जगह पे भी घूमने जाऊँगा तो मैं आप सबको सारी वीडियो को दिखाऊँगा इस ब्लॉग में। तो गाइज, आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले गाइज, हम स्टार्ट करेंगे स्नो पार्क, जो कि गोवा में यहाँ पर कुछ ही दूरी पर मौजूद है। और पता चला है कि वहाँ पे जाने के बाद हमें कश्मीर वाली फील मिलती है। वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है और अंदर अभी गर्मी के मौसम में भी बर्फ़ वाला फील करेंगे तो कितना मज़ा आएगा ना। तो सबसे पहले भी हम स्नो पार्क चलते हैं। अभी हम रेडी हो गए हैं और अभी रेडी होकर हम स्नो पार्क जाने वाले हैं। और कल के डेट को मैं एक पैकेज लिया हुआ है जिसमें हमें पैराग्लाइडिंग और स्कूबा डाइविंग एंड बहुत सारी चीज़ें उस पर कराया जाएगा, जो कि मैं वो भी चीज़ को दिखाने वाला हूँ, जो कि हमें समुंदर से काफ़ी ज़्यादा दूर 40 किलोमीटर दूर ले जाके सारी चीज़ें कराई जाएगी। वो भी मैं आप सबको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो आप ब्लॉग को देखना ना भूलें, मैं आप सबको खूब सारे ब्लॉग में मज़े करवाने वाले हैं। तब तक आप मेरे ब्लॉग पर बने रहना। दोस्तों, अभी हम स्नो पार्क आ गए हैं, देख सकते हैं अभी। कितने लोग, कितने मेंबर्स हो? तीन। शू चप्पल जमा करना है, ठीक है? क्या बोले? शू चप्पल जूता जमा करना है। जूता जमा करना? हाँ, हमारा क्या मिलेगा बाद में, टोकन जमा लेंगे ना वापस लेंगे। हम लोग सबको जूता पहन लिए। अब हम लोग को जैकेट दिया जा रहा है, अब हम लोग जैकेट को पहन लेंगे। देख सकते चलो टोपी पहनो, टोपी। अब हम रेडी हो चुके हैं अंदर जाने के लिए और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। रुको, आ रहा, रुको। तो इधर देख सकते हो खूब सारे मजे हो रहे हैं अंदर में, डांस वांस। गाइज, आज हमारा ये तीसरा दिन है गोवा का और आज हम जाने वाले हैं। मैंने पैकेज ख़रीदा था जिसपे पैकेज के अंदर ही स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर। तो अभी हमारी बस आने वाली है और अभी हम निकलेंगे वो सारे पैकेज को कंप्लीट करने के लिए, जो कि पता चला कि समंदर 40 किलोमीटर दूर ले जाके ये सारी चीज़ें कराई जाती है। तो वो भी मैं आप सबको यहाँ इस वीडियो पर दिखाने वाला हूँ, तो आप देखते रहना। के लिए हाथ
ऊपर करिए, किस किस से स्विमिंग आता है? मुझे भी आता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आपको स्विमिंग का जरूरत नहीं है। ओके गाइस, इम्पोर्टेंट जो बात है, दो मिनट के लिए ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी अंडर वाटर के लिए स्विमिंग नहीं मांगता है, क्योंकि हम लोग आपको लेके जाएगा और लेके भी आएगा। अभी यहाँ पे देख सकता है मेरा हाथ पास कुछ है, यहाँ पे थोड़ा फॉलो रखेंगे। ये स्कूबा डाइविंग का मार्क्स है, ये आपको सभी को मिलेगा, आप लोगों को सभी को मिलेगा, हमारे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। बट इसको यूज कैसे करना है अंडर वाटर में, यहाँ पे देखेगा प्लीज। थोड़ा सा मेरा नोज यानी आग बंद हो गया, ऑप्शन क्या बचा? वेरी गुड सर। पानी के नीचे हम जैसे जाएंगे अंडर वाटर में, आपको मुंह से सांस लेना है। नोज से सांस लोगे तो क्या होगा, इसमें फुल पानी भर जाएगा। इसे तो हम नॉर्मल नोज से सांस लेता है, ये सर नो तो हम लोग क्या करेंगे, पानी के नीचे मुंह से सांस आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकता है एक ग्लास, अगर आप नोज से सांस लोगे तो इसमें फुल पानी भर जाएगा, आपको आंखों में कुछ नहीं दिखेगा आपको। ओके गाइस, तो पानी के नीचे आपको बिल्कुल भी नोज से सांस नहीं लेना है। यहाँ पे फॉलो रखें, मेरा हाथों में कुछ है, ये रेगुलेटर है, इसमें टैंक है, रेगुलेटर है, वीसीडी है। जो वीसीडी का जो फुल फॉर्म है, बोयंसी कंट्रोल डिवाइस, ये पानी के नीचे आपका न्यूट्रल बोयंसी मेंटेनेंस बना के रखेगा। अब जैसे नीचे जाओगे, आपको नहीं नीचे नहीं जाना है, ऊपर नहीं आना है, आपको क्या है न्यूट्रल बोयंसी में रहोगे, तो न्यूट्रल बोयंसी में रहोगे तो आपको वहां पे वीडियो बनेगा। नीचे जाओगे तो रॉक्स वगैरह है, ऊपर आओगे तो सरफेस पे आपको वीडियो नहीं बनेगा, तो हम लोग न्यूट्रल बोयंसी में रहेगा। ओके गाइस, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो लोग स्विमिंग आता है वो लोग पानी के नीचे बिल्कुल भी स्विमिंग मत करिए, क्योंकि आप स्विमिंग करोगे ये टैंक हमारा हाथों में रहेगा, ठीक है? आपके हैंड पकड़ेंगे, नहीं तो ये टैंक पकड़ के हम लोग नीचे लेके जाएंगे। जैसे हम लेके जाएंगे नीचे, अगर आप ज्यादा स्विमिंग करोगे पानी के नीचे तो क्या होगा, ये हाथ से हमारा छूट जाएगा, तो आप सीधा नीचे जाओगे। ओके गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना प्लीज, बिल्कुल भी पानी के नीचे स्विमिंग नहीं करना है, लेके भी हम जाएंगे लेके भी हम आएंगे। यहाँ पे देखेंगे प्लीज, ये जो डॉट डॉट पसंद दिख रहा है आप, ब्लैक वाला, ये माउथ पीस है, ये रेगुलेटर है। के नीचे जैसे हम जाएंगे तो हम लोग बात नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हम पानी के जरिए हम लोग हाथ के जरिए बात करेंगे, हैंड सिग्नल जाने। अब पानी के नीचे ओनली फोर सिग्नल है जो हम पानी के नीचे यूज करेंगे। ये जो साइन है एक बार शो करेंगे मेरे साथ सभी लोग, ये ओके साइन है। आपको ड्राइवर जब पूछेगा ये ओके, आपको रिप्लाई करना सर ओके, इसका मतलब है ये नॉट ओके, अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है पानी के नीचे, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है या मास्क में पानी गिर रहा है, तो आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। इसके लिए ऐसा चेस्ट के सामने हाथ देखा कैसे करना है। ओके, ये जो आप ऊपर आने के लिए साइन, ये आप साइन है डाउन, आपको ओनली फोर साइन है। ये जो आप साइन हो गया, ये इमरजेंसी साइन हो गया। अब जैसे पानी के नीचे आप दिखाओगे आप साइन, तो आपको ऊपर लेके आ जाएंगे हम लोग। ओके, एकदम जल्दी जज्बते नहीं, आपको आराम से ऊपर लेके आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग प्लीज। ओके नॉट ओके सर, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो तो पानी के नीचे और क्या करेगा, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। ये क्या है? ओके नॉट ओके, नॉट ओके, देख में आप ना हो। वेरी गुड सर। यहाँ पे जितने भी लोग है, किसी का मेडिकल इश्यू है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इम्पोर्टेंट आपका सेफ्टी फर्स्ट है, ये से नो। आप सेफ्टी के साथ यहाँ पे एंजॉय करने, बट सेफ्टी के साथ आप एंजॉय करिए। यहाँ पे आपको कान का ये ड्रम पे छेद है, सोचो पानी में गया तो सॉल्ट वाटर की वजह से क्या होगा, आपके कान में पानी जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, आपको बाद में कान सर्जरी करना पड़ता, आपको फिर से वॉश करना पड़ेगा सर, वॉश करना पड़ेगा। ओके, अगर आप प्रेग्नेंट है लेडीज, अगर नहीं बोल के हम पानी के नीचे गए आप लोग, तो क्या होगा, जो अंडर वाटर प्रेशर की वजह से आपको बेबी को साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज आपने सेफ्टी के साथ आप एंजॉय करना है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सभी का, सब लोग डाइविंग के लिए रेडी है? यस। ओके, thank you.
दोस्तों अभी हमने स्कूबा डाइविंग कर लिया हम सब ने यहाँ पे, और अब हम चले दूसरे लोकेशन पे। दोस्त देख सकते हैं अभी हम लोग को एक टापू से लेकर दूसरे टापू ले जाया जा रहा है, और अभी हम लोग बोट पे बैठे हुए हैं सब कुछ, वो भी इंजॉय सॉन्ग भी बज रहा, मजे भी कर रहा हूँ। अभी हमने स्कूबा ग्लाइडिंग एंड ऑल सब कुछ कर चुका है कंप्लीट, और अब हम जा रहे फिर से अपने लोकेशन पे। मैं बहुत से क्या बोले अपने लोकेशन से मुझे बहुत दूर बोट मिलाया गया था, हम लोग को इधर आके हम लोग करवाया जा रहा था ग्लाइडिंग एंड स्कूबा बहुत सारी कुछ कराया जा रहा था। अब हम लोग फाइनली अपने जोड़ जा रहे हैं। ये बीच में आने के बाद कुछ मेरे दोस्त मिल गए थे, तो उस वक्त अभी हम आए हुए बीच नहाने के लिए, देख सकते हैं दोस्त नहा के भी आ चुका है, अब हम जाने वाले नहाने के लिए, तो बहुत एक्साइटेड हैं हम नहाने के लिए। बहुत दिनों के बाद बीच में नहा रहे, पिछले बार हम बीच में नहाया था पूरी में, और इस बार हम गोवा में नहाएंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितना ही सुंदर सा है, कितने भीड़ है यहाँ पे देख सकते हो, खतरनाक भीड़ है भाई, खतरनाक वाला भीड़ है यहाँ पे। अब हम चलते हैं नहाने के लिए, और देख सकते हो मेरा दोस्त कैसे अकेले नहा रहा है, अरे मैं भी आ रहा हूँ साथ में यार, देख सकते हो कैसे नहा रहा है, पूरा मजे ले लेके। वाह, जा रहे नहाने के लिए बीच में, बहुत एक्साइटेड है, देख सकते हो अभी हम खुशी जा रही है। तो दोस्तों बीच से आने के बाद अब देख सकते हो कि हम नहा धोवा के फ्रेश हो चुके हैं पूरी तरीके से, और आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो कल से शूट करेंगे, तो फिर हम आपको आगे की वीडियो हम वहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे दिखाने के लिए। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको। मैं पूरे गोवा से लेकर अपने क्या बोले अपने होम टाउन तक वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरे ब्लॉग का। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि गाइस देख सकते हो कि अब हम निकल रहे हैं गोवा से अपने झारखंड को, तो अभी सुबह का 10 बज रहा है अभी हमारा, और अभी हमको हमारा फ्लाइट का टाइमिंग जो 1 बजे है, तो अभी हमको निकलना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे जाने में यहाँ से लगता है एयरपोर्ट जाने में। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं हमारा दोस्त भी रेडी हो चुका है, देख सकते हो मेरा दोस्त रेडी हो गया है, अरे काफ़ी हैंडसम लग रहा है। अब हम लोग गोवा को बाय बाय कह रहे हैं, और अब हम
तो दोस्तों इस वक्त अभी हम रांची लैंड कर रही है, हम तीनों देख सकते हो। अब हम चलते हैं सीधा बुक करते हैं ओला और उसके बाद हम चलते सीधा रूम ले। तो दोस्तों अब फाइनली हम अपने रूम को पहुंच गए हैं और अभी हम लोग देख सकते हैं होटल ले लिया और अभी रूम पे हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ गाइज एक बात बताना था कि गोवा की बहुत सारी वीडियो जहाँ जहाँ पे हम लोग गए वो नहीं बना पाए। रीज़न था कि वहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं थे। जहाँ जहाँ पे कैमरा अलाउ था मैंने वहाँ का सारा वीडियो बनाया है। जिस जगह पे कैमरा अलाउ नहीं कर रहा था उस जगह पे हम वीडियो नहीं बना पाए, वहाँ पे शूट ही नहीं करने को मिलता था। लेकिन गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट करना एंड लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। मिलते हैं एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.